नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र सर्व मित्र और आप देख रहे हैं द मसला। द मसला में आज मसला ये है कि हमें कई तरह के चुनावी रंग देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा हमें कई चुनावी रंग देखने को मिलेंगे। आज जिस चुनावी रंग की हम बात कर रहे हैं वो ये कि पिछले कई दिनों से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो वीडियो हैं हरियाणा के जो मौजूदा सांसद हैं दो तीन, और इस बार फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके वीडियो वायरल ये हो रहे हैं कि कई जगह वो जा रहे हैं, कुछ गांव में उनका विरोध हो रहा है। मैंने अभी एक वीडियो देखा, वो है सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक। वो एक गांव में जाते हैं तो गांव वाले काफी विरोध करते हैं। ना सिर्फ विरोध, वहां पर नारेबाजी भी होती है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगते हैं। हम आपको वीडियो दिखाते हैं पहले और फिर बात करते हैं। साहब और पूरी की पूरी टीम बीच में रिश्तेदार होंगे, कोई बीच में रिक्वेस्ट है मेरे हजूर के दोस्त, ये जो टेक को ना पास बना हुआ है, इसी में कितनी तरह से एमपी साहब, आप 5 साल के दौरान इस कठोरा खाप के ऐतिहासिक गांव सुपुत्रा छिछड़ा गांव आपके पास गया, आपने घबरा के प्रोग्राम किए, इस गांव छिछड़ाना में नहीं आए। जिस भाई ने कोर्ट नहीं देनी हो, उन्हें पहले भी नहीं दी, रिपी मत दी हो, यह भी सुन लो मेरी। तो आपने देखा वीडियो में गांव वाले विरोध कर रहे हैं, गांव वाले नारेबाजी करते हैं मुर्दाबाद, फिर एमपी साहब के साथ जो लोग होते हैं वो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और एमपी साहब बोलते हैं वोट ना देना हो तो मत दो, ऐसा मत करो। ये है, हमने भिवानी महेंद्रगढ़ से जो सांसद है धनवीर, उनका भी विरोध होता हुआ देखा है। मतलब ये वो सांसद हैं धर्मवीर और रमेश कौशिक। दरअसल पिछले काफी समय से हम सुन रहे थे कि ये दोनों सांसद चुनाव नहीं लड़ना चाहते इस बार लोकसभा का। इनकी बातों से लगता था, और धर्मवीर ने तो साफ कह दिया था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं विधानसभा का लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से ये एक तरीके से मन नहीं था इनका। तो हो सकता है ये गांव में भी ना गए हों, लोगों में ना गए हों, तो इस बार लोगों में जा रहे हैं तो लोग विरोध कर रहे हैं। ये चुनावी रंग है दोस्तों। दरअसल ये नेताओं के लिए अलर्ट है, चेतावनी है कि अगर आपको लोगों ने चुनकर भेजा है लोकसभा में या विधानसभा में, तो कम से कम आप उनसे मिलने पहुंचे, उनका सुख दुख जानने के लिए, दुख तकलीफ जानने के लिए उनके पास तो जाएं। और अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर मान कर चलिए ऐसा ही होगा आपके साथ। और ये सभी पार्टियों के उन नेताओं के लिए चेतावनी है जो लोगों के बीच में नहीं जाते, या जीतने के बाद वो सिर्फ सीमित हो जाते हैं अपने कामों तक। ये उनके लिए चेतावनी है, वो चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, ये सभी के लिए चेतावनी है। तो ये एक तरह से चुनावी रंग है। अभी और कई चुनावी रंग हमें देखने को मिलेंगे हरियाणा में खासकर। अभी तो नेता लोग एक दूसरे के बारे में बोलेंगे और बहुत राज खोलेंगे, और वो जब बोलेंगे और राज खोलेंगे तब भी हम आपके बीच में वो रंग लेकर आएंगे। दोस्तों आप हमें बताना, ये जो लोगों का विरोध है कुछ सांसदों को लेकर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है ये विरोध क्यों हो रहा है, या लोगों को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप लोग भी कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि आप भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं। आप चुनकर भेजते हैं नेताओं को जो आपके हलके की आगे आवाज उठाते हैं। हालांकि अलग बात है वो उठाते हैं या नहीं उठाते, काम करते हैं या नहीं करते, वो अलग बात है। ये राजनीति का हिस्सा है हमारे देश में, ये चल रहा है। आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। नमस्कार।